आइए देखते हैं शॉक एक्सपीरियंस। पीयूष नई दिल्ली से, राहुल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके हिसाब से एक बिजनेस को बड़ा बनाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? सब्जी बेचें चाहे आप कंप्यूटर बनाएं, बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया नहीं बदल सकती। मैं आपको लेंसकार्ट का एग्जांपल देता हूँ। हमें बदलना था लोग जैसे चश्मे ट्राई करते हैं, तो हमने वर्चुअल एआर एक्सपीरियंस बनाया। बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस फ्यूचर इज टेक, टेक इज नॉट द सॉल्यूशन, टेक इज अ मींस टू एन एंड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एन एंड टू डूइंग द इम्पॉसिबल। तो टेक्नोलॉजी यू हैव टू एम्ब्रेस, लर्न, एंड दैट इज द फ्यूचर। आइए देखते हैं शॉक एक्सपीरियंस। उदयपुर राजस्थान से शारदा आपसे पूछना चाहती है, विनीता आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, एक लविंग मॉम भी हैं। क्या आपको अपने बच्चों से कभी कोई लाइफ लेसन मिली है? कभी कभी एज एंटरप्रेन्योर्स हम इतने फोकस्ड रहते हैं, इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं अपने गोल तक पहुंचने में कि हम जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। और मैं जब अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ और उनको देखती हूँ, वो इतने खुश होते हैं, छोटी छोटी चीजें उन्हें खुशियाँ देती हैं। एंड उनसे मैं यही सीखती हूँ कि जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत लंबी होती है। एज एंटरप्रेन्योर्स हमें याद रखना चाहिए कि मंजिल की चाह में हम सफर को एंजॉय करना ना भूलें। दिसपुर असम से सुप्रिया का सवाल है, हाय अमन, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे प्लीज बताइए इन्वेस्टर्स को कैसे मिला जाता है, उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढा जाए? सुप्रिया जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टर्स को बहुत अलग अलग जगहों में ढूंढ सकते हो। आप उनकी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो, आप उन्हें किसी पिच सीरीज होती है वहाँ मिल सकते हो। नहीं, मेरी स्टोरी ये थी कि मेरा इन्वेस्टर मुझे लिंक्डइन पे मिले सबसे पहले, वहाँ पे उन्हें हमने बिजनेस ग्रोथ दिखाई। अगर आपको रिजेक्शन मिलती है किसी इन्वेस्टर से, जैसे मुझे मिली थी, तो उसको बार बार दिखाओ, देखो अब हमने ये बिजनेस कर दिया, हमने ये बिजनेस कर दिया, हमने ये बिजनेस कर दिया, तो ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ दिखाई देता है तो इन्वेस्टर को भी लगता है यार अच्छे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो एक वो मेथड भी होता है और सबसे बेस्ट मेथड होता है शार्क टैंक पे आइए, हमारे जैसे इन्वेस्टर यहाँ भी मिल जाएंगे। तो अप्लाई करिए, हम आपकी वेट करेंगे, अगले शार्क टैंक सीजन में आपको मिलते हैं। सुप्रिया जी, आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। अनुपम भोपाल से ऋषि आपसे जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का रिश्ता कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का रिश्ता एक शादी की तरह होना चाहिए। शादी सफल तभी होती है जब दोनों पार्टनर्स में एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे की जरूरतें समझते हैं। अगर आप इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा खासा रिटर्न बनाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। फाउंडर्स की ये जरूरत होती है कि उनको इनपुट मिले, एडवाइस मिले, वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा इन्वेस्टर का, क्योंकि इतनी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो मिले ताकि वो गलतियां कमती करें और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाए। तो अगर ये दोनों बातें लोग नहीं समझे तो डिवोर्स भी हो सकता है और वो कोई नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों का ही नुकसान होता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट।